अस्सलाम वालेकुम, लाइफस्टाइल विद साहिबा में आपको खुशामदीद। मेरी आज की रेसिपी है फ्रूट ट्राइफल। आर यू रेडी? मीठे के बगैर जिंदगी नामुकम्मल होती है। मीठा जो है वो वैसे भी एक नर्व टॉनिक होता है। मीठा खा के सुकून आता है और इंसान खुशी महसूस करता है और लाइवलीनेस आ जाती है आपकी लाइफ में। और फ्रूट ट्राइफल में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हैं, सबसे पहले मिल्क, 1 लीटर दूध चाहिए। उसके अलावा कस्टर्ड, टिन फ्रूट, और ये 2 तरह की जेली है जो आपके फ्रूट ट्राइफल को कलरफुल बना देगी। और उसके अलावा ये पाउंड केक है जो कि हम बेस में लगाएंगे। इसकी क्रीम है और ये जो चीज़ें हैं स्प्रिंकल्स वगैरह, ये तो ऊपर गार्निश करने की चीज़ें हैं। और शुगर है हमारे पास। सबसे पहले हम ऐड करेंगे मिल्क। अच्छा, सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे और उसमें शुगर ऐड करेंगे। जो लोग कम शुगर खाते हैं वो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1 लीटर दूध में कम से कम 5 टेबलस्पून शुगर ऐड करूंगी। तो इसमें शुगर ऐड की और इसको हमने मिक्स करना थोड़ा सा स्टार्ट किया। तो ये जब तक इसमें एक बॉईल होता है ये, तो हम अपनी डिश रेडी कर लें। हम यहाँ लगाएंगे केक, पाउंड केक। और उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा टिन फ्रूट। आप इसमें फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर जो है वो फ्रेश फ्रूट ही यूज़ करती हूँ, लेकिन टिन फ्रूट का एक अपना मज़ा है, टेस्ट दुबाला हो जाता है। और बाज़ोकात ऐसा होता है कि मैं टिन फ्रूट भी यूज़ करती हूँ और जो फ्रेश फ्रूट आया होता है, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, स्ट्रॉबेरीज़ मुझे बहुत पसंद हैं, वो मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। अभी इस वक्त है नहीं मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़, तो इसलिए मैंने कहा कि ये टिन फ्रूट ऐड किया जाए। ये मैं ड्रेसिंग के लिए रखती हूँ जी। तो हमारा दूध बॉयल होने वाला है। अच्छा, ये मैंने हाफ कप मिल्क निकाल लिया था जिसमें मैंने अपना कस्टर्ड ऐड करना था और मिक्स करना था। इसमें 1, 2, 3, 4 और थोड़ा सा ऊपर 4.5 के करीब, क्योंकि हाफ कप मिल्क मैंने एक्स्ट्रा लिया है और वो 1 लीटर है। तो ये मैं मिक्स करूंगी। ये अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि इसमें अगर ये अच्छी तरह मिक्स ना हुआ तो उसमें जब ये मैं डालूंगी तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो उन गुठलियों को तोड़ना है हमने। इसको ज़रा सही तरह मिक्स करते हैं और साथ साथ आप इसमें चम्मच भी चलाएं। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि दूध जो है वो साइडों से जल ना जाए। ये आप इसको कुछ देर पकाएंगे। चीनी आप पहले ऐड करेंगे, लेकिन जो कस्टर्ड है वो आपने जब बिल्कुल उबलने लग जाए तब ऐड करना है।
अच्छा, ये जो मेरा फ्रूट ट्राइफल है, अक्सर हमारे घर में जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो बड़ा स्पेशली मुझसे फरमाइश करके बनवाया जाता है कि ये वाला जो फ्रूट ट्राइफल है वो ज़रूर बनाएं। और अक्सर दूसरे डिज़र्ट्स वगैरह भी होते हैं तो हमेशा मेरा ये वाला फ्रूट ट्राइफल नंबर ले जाता है। और ये रीमा को बहुत पसंद है, और वारिस बेग साहब और उनकी मिसेज शाजिया वो हमारे घर आते हैं, उनको ये बहुत पसंद है, बहुत मज़े से खाते हैं। और शाजिया भाभी की बात हुई है तो मैं आपको बताऊं कि वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, वो तो बहुत ही अच्छा बनाती हैं। उनकी एक सैलड की रेसिपी मैं उनसे पूछ कर वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो वैसे भी कहीं से कोई भी अच्छी खाने की चीज़ हो मैं पूछ लेती हूँ, तो और मैं सीखी हूँ कि खाना तो बनाना आता है मुझे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुश्किल से सीखा है रैम्बो साहब की बातें सुन सुन के। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मैंने अपनी अम्मी से ही फ़ोन कर कर के पूछा। अक्सर फ़ोन करती थी तो प्याज रख देती थी ब्राउन होने, तो वो उनका अगर फ़ोन बिज़ी हो जाता तो मेरा प्याज जल जाता था। तो इसी तरह अम्मी से फ़ोन पे पूछ पूछ कर मैंने खाना बनाना सीखा। उसके अलावा मैंने और भी जिस भी खातून की कोई भी अच्छी डिश मैंने खाई, हमेशा पूछा कि ये कैसे बनाई, और फिर मैंने वो घर में ज़रूर ट्राई की। और इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो डिशेज़ मैं बना रही हूँ वो आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हाँ जी, दूध बॉयल हो चुका है और ये हमारा बॉयल हो रहा है, ये बॉयल हो रहा है। अच्छा, इसकी एक टेक्निक ये है कि आपने साथ साथ ये ऐड करना है और इसमें साथ साथ चम्मच चलाना है, ये देखें जी। अब आंच बंद कर देती हूँ और ऐसे इसको मिक्स करती रहती हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाए। तो अब इसको हम डिश में ऐड करते हैं। अक्सर यहाँ पे लोग जो के रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, क्योंकि जो जो डिशेस बनती हैं वो मेरे कैमरामैन, मेरे मेकअप आर्टिस्ट और स्टाफ के लोग खाते हैं। अच्छा जी, ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया। अब इसमें हमने थोड़ी सी ड्रेसिंग करनी है, और ड्रेसिंग के लिए जेली बना के रखी हुई है दो तरह की, ग्रीन और रेड, ये साइड पे कर देते हैं। अच्छा, अब इसको मैं ये अब इसकी ड्रेसिंग होगी, क्योंकि बच्चों को वैसे बहुत पसंद होती है जेली, लेकिन बच्चे बड़े ये जो मेरी स्वीट डिश है सभी शौक से खाते हैं। और ये जी प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इसको सीधा कर लेते हैं और अब बारी आई है रेड की, रेड जेली। रेड जो जेली वैसे थोड़ी सी मैंने ग्रीन जो है थिक बनाई है, रेड जो है मैंने इतनी थिक नहीं बनाई। और अब इस पे हम ऐड करते हैं क्रीम। और ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया था चेरीज, ये चेरीज इसमें ऐड हुई, और थोड़ा सा ये मैंने स्प्रिंकल किया।
आहा, ये तो रैम्बो साहब की रेनबो डिश है और स्वीट डिश है, और ये रैम्बो साहब की बेगम ने बनाई है, इसलिए इसमें कलर्स ज़्यादा हैं। तो आप अच्छा, इसको ये अभी गर्म है, इसको रेफ्रिजरेट करना है, उसके बाद खाना है। कम से कम एक घंटे में जितनी ठंडी होगी उतने मज़े की होगी, उतने मज़े से खाएंगे और मुझे याद करेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी फ्रूट ट्राइफल। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइफस्टाइल विद साहिबा, थैंक यू सो मच।